कोई व्यवस्था नहीं सर जी, और काम कराने के बाद सर जी हम लोगों को देखिए ना रोड में फेंक दिया जाता है, क्या करेंगे तुम्हारे लड़के बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे सर जी। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. फैमिली को लेकर इसलिए बैठे हैं सर कि क्या कि जो हम लोग काम किए जंगल विभाग का वो पैसा नहीं मिल रहा मेरा, इसलिए हम रोड पर बैठे हैं सर। क्या कि रात के वो कल नाइट में गाली वाली दे रहा था, पैसा मांग रहे थे कि सर मेरा परमिट दे दे, वो ये कोरोना वायरस फैल रहा है, तो बोला कि लो यहाँ से भाग गया हो, अब पैसा भी तुम्हारा नहीं मिलेगा, इसीलिए सर हम लोग भाग आए वहाँ से। अच्छा, होली पर आप गांव जाना चाहते थे? तब होली पे गांव इसीलिए तो बोले कि ये कोरोना वायरस लगने वाला है, इसीलिए वो बोले कि पैसा दे दो, तो नहीं दे रहा पैसा। अच्छा, किस चीज का काम कर रहे थे आप लोग? यही फॉरेस्ट का है, नाली का है, गड्ढे का है। कितना पेमेंट बाकी है अब तक आपका? वही 6 लाख रुपए है। कितनी फैमिली वहाँ काम कर रहे थे? 30-35 आदमी है वहाँ। बच्चों को लेकर भी आप काम कर रहे थे वहाँ? हाँ सर, खाने के लिए भी पैसा नहीं था, इसलिए खर्च और जमा के पर वो पैसा नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कि मेरा जो भुगतान बाकी हुआ है वो मेरा यहाँ से निपटारा हो जाए, तो हम चले जाए घर अपने। क्या सर, अब यही है मेरा कहना कि अब हो गया, जितना मेरा बाकी था उतना पैसा मेरा मिल जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सर अपने गाँव। बच्चों को लेकर आप सड़क पर बैठे हो, कुछ खाया पिया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कल नाइट से ही सब बिल्कुल भूखे हुए हैं सर, कोई बच्चे हो गए रो रहे हैं, अब क्या किया जाए। जिसने आपको धक्के मारे क्या नाम है उसका और कौन है? सर नाम तो भैया लोगों को पता है, मेरे को पता नहीं, क्या कि हम उससे पात्र रहते नहीं हैं, भैया लोग बताएंगे कि उसका क्या नाम है, मेरे को पता नहीं है ठेकेदार का नाम, नंबर भी उनके पास होगा, पता नहीं मेरे को। ठीक है, आपका नाम बताइए? मेरा पूजा है सर। सर हम काम कर रहे थे ना, एक माह हो गए काम करते, हमारी मजदूरी भुगतान नहीं की जाती है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, BDC का काम किए हैं, गड्ढा का काम किए हैं, CPT का काम किए हैं, कुछ भी भुगतान नहीं हुआ, और पैसा मांगते हैं खर्च के लिए, बाल बच्चे के लिए, खाने के लिए, तो बोलता हट जाओ पैसा दाम कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो क्या आपको धक्के मार के बाहर निकाला गया वहाँ से? जी सर, तो फिर अपना जान बचा के हम थोड़ा बारा करके पैसा गांव वालों से मांग के और अपनी जान बचा के रात के 11 बजे यहाँ भाग के आए। कितने पैसे बाकी थे आपके जो काम कर रहे हो उसके पैसे बाकी थे ना? 6 लाख। अच्छा, कितने कर्मचारी लगे हुए थे? कर्मचारी हैं 30। और किस चीज़ का काम था वो? कहीं का काम था वो? कहीं का? किस? फॉरेस्ट का, गड्ढा का। सरकारी काम है? सरकारी काम थी, जंगल विभाग का काम कर रही थी। आपका नाम? मेरा नाम सत्यवती लोन। सर हम यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है सर, इसलिए हम रोड पर बैठे हैं। किस चीज़ का काम था, क्या है? ये वन विभाग का फॉरेस्ट का काम, पौधा वृक्षारोपण का, गड्ढा CPT खुदाई का काम हम लोग किए हैं, और सर पैसे मांगने पर वहाँ से हमको भगाया जा रहा है सर। किस तरह के हालात है वहाँ पर? क्या सर, यहाँ भूखों मर रहे हैं बाल बच्चे सर, सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, हम रोड पर आके उतर गए सर, रोड में पड़े हैं सर, भूखों प्यासे मर रहे हैं हम लोग, काम करवाने के लिए तो हमको उठा ले जाते हैं सर कि आप काम करिए, काम करने के बाद हमको भुगतान देने के लिए हम तो रोड पे खड़े हो गए सर, भूखों मर रहे हैं, आज हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है सर। कितना पेमेंट बाकी है आप लोगों को? अभी हमारा बाकी है सर 6-6.5 लाख के करीब बाकी है सर। किसी का पेमेंट नहीं दिया? किसी का भुगतान नहीं हुआ सर, खर्च के तौर पर 52,000 रुपये हमको पहले खाने के लिए दिया था सर, तो एक महीना काम करते हो गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सर। क्या चाहते हैं आप? हम पैसा लेना चाहते हैं सर, हमारा कम से कम भुगतान करवाया जाए सरकार द्वारा सर। कहाँ के रहने वाले हो? हम MP मध्य प्रदेश सर। आपका नाम? संतोष प्रसाद लोनी। सर हम लोग यहाँ से आपके अर्जुनपुरा पड़ांगा से आए हुए हैं, वन विभाग में काम करते थे हम लोग, और हमको ठेकेदार के द्वारा गांव से बुलवाया गया है काम कराने के लिए, तो हम लोगों काम पूरा हुआ और पेमेंट मांगने पर गाड़ी गलौज किया और लेबर को मारने पीटने की धमकी दिया, और मतलब हमको श्री को 52,000-50,000 रुपये खानगी दिया है सर, इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं दिया, और लेबर होली पे घर जाना चाहती है, देश में जो कोरोना महामारी चल रहा है सर उससे हम लोग परेशान हैं कि हम लोग 1500 किलोमीटर की दूरी से आए हुए हैं, तो महोदय जी वो हमारा पेमेंट नहीं दिया, तो हम लोग अपनी जान बचा करके कलेक्टर महोदय के शरण में आए हुए हैं कि हम लोगों का पेमेंट कराया जाए,
नहीं हमारे लड़के बच्चे छोटे छोटे पे फालतू मर जाएंगे सर, तो हम लोग कैसे घर पहुंच पाएंगे और क्या क्या कर पाएंगे। कई की कंपनी थी वो वन विभाग है सर, फॉरेस्ट का काम था सर वो। अच्छा, कितना पैसा मांगते आप? उसमें 6 लाख के करीब है सर। कितने कर्मचारी आपके? हमारे 30-32 आदमी है सर। क्या कह रहे हो, पैसा नहीं दे रहा? पैसा नहीं दे रहा, पैसा मांगने पे गाली गलौज कर रहा है और मारने की धमकी दे रहा है सर जी। तो हम लोग अपनी जान बचा करके यहाँ तक कैसे किसी भी कदर से, और पैसा भी हमारे पास नहीं है, ये लोग कुछ खाए पिए भी नहीं है, 4-5 दिन से फालतू पड़े हुए हैं। तो आप अपना खिचड़ी पानी खा के गुजारा कर रहे हैं कि अपना जो भी है, जब तक अपना काम नहीं होता है। तो हम विनती करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमें दोनों का पेमेंट कराया जाए और हमें हमारे गाँव पुणे वापिस भेजा जाए। क्या सरकारी काम था वो? हाँ, सरकारी काम था सर। आपका नाम? मेरा नाम सुदर्शन लोनी सर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पोस्ट खलाउन, थाना इंदवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश सर।